नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही किसी महिला पहली बार गर्भधारण करती है तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हालांकि गर्भधारण करने की सूचना अपने साथ कई तरह के शारीरिक बदलावों एवं समस्याओं का अंदेशा लेकर भी आती है। अगर प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही सभी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी जाए तो गर्भावस्था से जुड़ी तमाम परेशानियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दरअसल प्रेगनेंसी के पहले महीने में खास तौर से पहली बार मां बन रही महिलाओं के पास जानकारी का अभाव होता है। कई बार तो उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि वे गर्भवती हो चुकी है। दोस्तों, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के पहले महीने में शिशु में होने वाली शारीरिक विकास एवं गर्भवती महिलाओं में दिखने वाली कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शिशु में होने वाली शारीरिक विकास की। तो जैसे ही किसी महिला का अंडाणु पुरुष के शुक्राणु से आपस में मिलती है तो यहीं से निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है। निषेचन की प्रक्रिया संभोग के ठीक 2 से 3 दिन बाद शुरू हो जाती है। जब पुरुष की शुक्राणु महिला के अंडाणु से आपस में मिलती है तो इसके मिलन से एक युग्म का निर्माण होता है जिसे हम जाइगोट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया में जाइगोट फलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय में पहुँचता है। 5 से 7 दिन के बीच यह जाइगोट कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसके बाद यह कोशिकाएं इकट्ठा होकर ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करता है। अगर यह ब्लास्टोसिस्ट 2 से 3 दिनों में अगर गर्भाशय के दीवार से चिपक जाती है तो यहीं से गर्भधारण की प्रक्रिया सफलता के साथ पूरी हो जाती है। दोस्तों, जैसे ही फर्टिलाइज एक विकसित होती है तो इसके विकसित होने पर एमनियोटिक सैक का निर्माण होता है। इस दौरान प्लेसेंटा भी बनने शुरू हो जाते हैं। और हम बात करेंगे शिशु के विकास की तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपके शिशु का चेहरा बनना शुरू हो जाता है। आंखों के जगह काले घेरे नज़र आने लगते हैं। इस दौरान आपके शिशु का निचला जबड़ा और गला भी बनना शुरू हो जाता है। इस समय आपके शिशु में लाल रक्त कोशिकाएँ भी बन जाती है और रक्त संचार भी शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी के पहले महीने के अंत तक यानी 4th सप्ताह के अंत तक आपके शिशु का धड़कन 1 मिनट में 65 से 70 बार धड़कना शुरू कर देता है। इस महीने के अंत तक आपके शिशु का आकार चावल के दाने से भी छोटा होता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इन बदलावों के बारे में सही जानकारी न होने के कारण गर्भवती महिला घबराहट या तनाव भी महसूस करने लगती है। तो दोस्तों, अब हम प्रेगनेंसी के पहले महीने में महिलाओं में दिखने वाले शारीरिक लक्षणों की बात करेंगे। अगर ये लक्षण आप में दिखे तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। दोस्तों, अब हम पहले लक्षण की बात करेंगे। जैसे ही किसी महिला गर्भधारण करती है तो उनकी मासिक धर्म रुक जाती है, जो प्रेग्नेंट होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। दूसरा लक्षण है, जब गर्भाशय में अंडा निषेचित हो जाती है तब गर्भधारण करने वाली महिला को हल्की ब्लीडिंग और शरीर में ऐंठन भी महसूस हो सकती है। दोस्तों, अब हम तीसरे लक्षण की बात करेंगे। तो तीसरा लक्षण है स्तनों का काढ़ा होना। प्रेगनेंसी के पहले महीने में कुछ गर्भवती महिलाओं के स्तन कड़े हो जाते हैं और उनमें हल्का दर्द भी महसूस होने लगती है। दोस्तों, अब हम चौथे लक्षण की बात करेंगे। तो चौथा है, प्रेगनेंसी के पहले महीने में बिना कुछ किए ही गर्भवती महिलाओं में थकान महसूस हो सकती है। इस दौरान आपको सोने में परेशानियाँ भी हो सकती है। ये प्रेगनेंसी के पहले महीने के बहुत ही सही और सटीक लक्षण माना जाता है। दोस्तों, अब हम पांचवें और अंतिम लक्षण की बात करेंगे। तो पांचवा है, गर्भवती महिलाओं के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण
उन्हें बार बार पेशाब लगने की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले महीने की आहार की। तो प्रेगनेंसी के पहले महीने में गर्भवती महिलाओं को फोलेट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन अवश्य करनी चाहिए। आप अपने आहार में ब्रोकली, संतरा, इन सभी चीज़ों को शामिल कर सकती है। इसके सेवन से आपके शिशु में होने वाली जन्म दोष की संभावना को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही गर्भवती महिलाओं को दूध, अंडा, फल एवं हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम और फोलिक एसिड मौजूद होते हैं, जो गर्भवती के साथ साथ गर्भ में पल रहे शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।